मनजीत सिंह डोगरा, पूर्व विधायक बड़सर चुनाव क्षेत्र। मैं अपनी ओर से समस्त हिमाचल वासियों को एवं बड़सर के सभी भाई बहनों को लोहड़ी एवं मकर संक्रांति की एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। रिकांग पियो व उसके आसपास व राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर भूखे घूम रहे बेसहारा व आवारा पशु अब भूखे नहीं मरेंगे। किन्नौर कांग्रेस ने इनके लिए रिकांग पियो में चारा बैंक खोला है। किन्नौर कांग्रेस की ओर से रिकांग पियो में चारा बैंक का शुभारंभ किनफेड निर्देशक राजनंद नेगी व पूर्व प्रधान दूनी हरवंश नेगी ने किया। किन्नौर कांग्रेस की इस मुहिम में विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी के मार्गदर्शन से रिकांग पियो व आसपास क्षेत्र में आवारा घूमने वाले पशुओं को चारा उपलब्ध कराएगी। पूर्व उप प्रधान कोठी दयाल नेगी ने कहा कि चारा बैंक के माध्यम से रिकांग पियो व आसपास क्षेत्रों में जो सर्दी के मौसम में बिना चारा के आवारा घूम रहे पशुओं को चारा उपलब्ध करेगी। वहीं इस चारा बैंक के माध्यम से क्षेत्र में आवारा कुत्तों के लिए भी खाने की व्यवस्था कांग्रेस कमेटी की ओर से की गई है। उन्होंने बताया कि इस चारा बैंक का मुख्य उद्देश्य बेसहारा पशुओं को भोजन की व्यवस्था करना है, ताकि सर्दियों के इस कड़ाके की ठंड में खाने की समस्या ना हो सके। इस अवसर पर अभिषेक ठाकुर, श्यामानंद, रणजीत नेगी, धर्मेश मातारू, मनमोहन नेगी, सहदेव नेगी, कपिल नेगी, केसर नेगी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। माननीय विधायक किन्नौर श्री जगत सिंह नेगी जी के मार्गदर्शन से चलाए जा रहे घास बैंक का आज जिला किन्नौर कांग्रेस कमेटी के महासचिव व पूर्व में प्रधान रहे रेलिंगी के श्री हरवंश नेगी जी व किनफेड के डायरेक्टर व पूर्व प्रधान कोठी श्री राजनंद नेगी जी ने आज इसका शुरुआत किया है। हमारा घास बैंक को स्टार्ट करने का जो मेन हमारा मकसद था, वो आज के टाइम में जिस तरीके से कड़ाके की ठंड में और इस सर्दी के मौसम